हेलो दोस्तों, तो थंबनेल और टाइटल तो हमने पहले देख ही लिया, जहां पर आपको पता चल गया होगा कि किसके बारे में आज बात कर रहे हैं। दोस्तों हाँ, हम आज आपको बताने वाले हैं 10 ऐसी चैनल आइडियाज अगर 2020 में आप एक चैनल क्रिएट करना चाहते हैं यूट्यूब पर और बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हो। अब फिर से आप बोल देंगे कि भाई तू पहले ग्रो हो जा, उसके बाद हमें ग्रो होने का आइडिया दे। मतलब कुछ भी, मतलब क्या बोले भाई, हमें पता है, हम देखे हैं, हम स्टडी किए हैं, इसीलिए तो आपको बता पा रहे हैं। अगर आपको हेल्प मिले तो आप बताइएगा भाई, हेल्प मिला पर ऐसे कैसी बात कि भाई तू पहले ग्रो कर ले, ये कैसी बात हुई भाई। अगर आप हेल्प नहीं करोगे, अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं रहोगे तो हम कैसे ग्रो कर पाएंगे, हम तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और एक आप ना इंसाफी करते हो, आप डिसलाइक भी मारते हो, नीचे कमेंट भी करते हो कि भाई अच्छा नहीं लगा या तेरा वीडियो, तू पहले ग्रो कर जा, चैनल को ग्रो कर ले, उसके बाद हमें बता दे कि क्या करना है, पहले ग्रो कर। ऐसे तो बहुत सारे बात बता देते हो, पर एक बात यह है कि आप उसके बाद चैनल में रहते ही नहीं हो। दोस्तों अगर दूसरे वीडियो आएंगे वहाँ पर भी आपको डिसलाइक मारना होगा ना, आप नीचे कमेंट करके बताएगा भाई वीडियो अच्छा नहीं हुआ, तो उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, ताकि हम जो दूसरे वीडियो ला पाएं उसमें भी आप वो कर सके। तो करिएगा, उसके लिए पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि दूसरे जो वीडियो मिला हो उसमें भी आप डिसलाइक मार सकते हैं ठोक ठोक कर, और उसके साथ नीचे कमेंट कर सकते हैं भर भर कर, और मुझे जो इच्छा हो वो बता सकते हैं। और ऐसे भी हम हर कमेंट के रिप्लाई करते हैं बहुत अच्छे से, और कोई भी अगर कोई रिक्वेस्ट करे या बोले भाई ये कर, तो हम उसके लिए उसके रिगार्डिंग वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं, उसके पहले मेरा नाम है हमजा और आप देख रहे हैं मेरा और आप सभी का अपना चैनल हाउ टू बेस, जहां पर आप भर भर के गाली दे सकते हो, भर भर के डिसलाइक मार सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर पहली आइडिया की बात करें, अगर दोस्तों बोले कि कौन से जो ऐसी क्या चीज तूने बता दिया जिसमें हम इतना जल्दी ग्रो कर पाएंगे, तो बहुत ही आसान है। दोस्तों अगर आपके पास बड़ा DSLR नहीं है, कोई माइक्रोफोन नहीं है या कुछ भी नहीं है, आप एडिटिंग भी बहुत अच्छे नहीं जानते, सिंपली एडिटिंग जानते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी है। जो है फर्स्ट नंबर पे जिसको हमने रखा है, सब कुछ देख के, सब कुछ हिसाब करके कि भाई ये रखेंगे तो लोगों को फायदा होगा कि नहीं, जो यूट्यूब में आएंगे उनको फायदा होगा कि नहीं, तो वो है डेली लाइफ व्लॉगिंग। अगर आप एक अच्छे आपका लाइफ है, मतलब ये नहीं कि डेली लाइफ ब्लॉगर, अगर कोई सोचता भी है कि नहीं भाई मुझे फ्लाइंग बीस्ट की तरह बनना है, गौरव तनेजा की तरह बनना है, या फिर और दूसरे जो डेली लाइफ ब्लॉगर है उनके जैसा बनना है, वॉलपेपर की तरह बनना है, तो मुझे उनके जैसा स्टेट में जाना पड़ेगा, उनके जैसा पोजिशन में जाना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। नहीं भाई, अगर आप एक लो क्लास से बिलोंग करते हो, गांव से बिलोंग करते हो, वहां पर भी आप दिखा सकते हो अपना खुद का लाइफ, एक गांव का जो बच्चा है, गांव का जो लड़का है, वो कैसे अपना लाइफ को बिताते हैं, कैसे अपना लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो आप दिखा सकते हैं। जो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, ब्लॉगर होते हैं, वो तो गाँव में जाके ही ज्यादा जो उनका चैनल है ग्रो किए हैं, जहां पर गाँव को दिखा के भाई गाँव में क्या होता है, गाँव में लोग कैसे रहते हैं, गरीब लोग कैसे रहते हैं, ये लोग कैसे रहते हैं, ये सब दिखा के तो वो बड़े हुए हैं। और आप तो सिंपली आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आपके गाँव, आप खुद का गाँव है, वहां पर आप कर सकते हैं वीडियो और उसे अपलोड कर सकते हो, आपको बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि हर आदमी, हर इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान, वो हो सके कि इंडियन हो सके कि यूनाइटेड स्टेट्स हो, कहीं से भी, उसको गांव के बारे में जानना ही है। और ज्यादातर हमारा इंडिया की बात करें तो हर दुनिया की हर एक काउंट्री का हर लोग इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, खास करके उन लोगों की जो गांव में रहते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए काफी एक बड़ा और अच्छी ऑप्शन है कि आप एक डेली लाइफ ब्लॉगर की तरह ब्लॉग करना स्टार्ट कर दे। दोस्तों अगर दूसरी बात करें कि दूसरी ऐसी कौन सी टॉपिक है जो हम आपको बताएंगे, तो वो है आप एक फूड ब्लॉग चैनल बना लीजिए। फूड फूड ब्लॉग मतलब अगर आप कैसे फूड बनाते हैं ये भी दिखा सकते हैं, या फिर कुछ भी आप फूड के बारे में कुछ भी आप दिखा दीजिए, कि मतलब ज़्यादातर तो प्रिपरेशन ही है, क्योंकि लोगों को रेसिपीज देखना पसंद होता है। रेसिपीज अगर किसी को बिरयानी बनाना है तो पहले यूट्यूब पे आके सर्च करता है, घंटों तक वो देखता है, उसके बाद भी जब वो पूरा आपका एक घंटा का वीडियो तब भी वो देख लेता है कि भाई इसे बनाना है इतना अच्छे से। अगर आप अच्छा फूड बनाते हैं तो वो आपका पूरा वीडियो देगा, उसके बाद जब वो किचन में वो बिरयानी तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा, तब भी वो आपका वीडियो चलाता रहेगा कि ये यहाँ पर, ये वहाँ पर, ये आपका वॉच टाइम बढ़ता रहेगा, सब कुछ बढ़ता रहेगा आपका। मतलब ये बहुत ही एक चीज़ अच्छी बात है जो फूड ब्लॉग्स बनाते हैं उनके लिए। तो आपको एक कंटिन्यूअस फूड ब्लॉगिंग बनाना होगा, हर दिन में एक अच्छी सी कंटेंट लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम अपलोड करते हैं, ऐसे नहीं, फूड ऐसे ही आप जो लोगों को पसंद है, जो लोगों को देखता है, जैसे कि बिरयानी या फिर चिकन, कोई भी रेसिपी आप बोल लीजिए, उनको आप देख पाएंगे कि लोगों बहुत उनको प्यार देते हैं। और दो दिन में आप परेशान मत हो जाए कि नहीं भाई मेरा तो सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है, मेरा तो ये नहीं आ रहा है, मेरा तो वीडियो देखा नहीं जा रहा है,
आप हमेशा आप हर दिन के हिसाब से आप एक टाइम सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे हर दिन शाम की 5 बजे या सुबह की 10 बजे मुझे वीडियो अपलोड करना है, तो उसी टाइम पे हर रोज आप वीडियो अपलोड करते रहिए, आपके चैनल में जरूर व्यूज आएगा। ये मेरा एंट्री फूड ब्लॉगिंग चैनल की बात करें, फूड रेसिपी चैनल की बात करें, तो आपको गारंटीज व्यू आएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। तो उसके साथ आप जा सकते हैं, अगर आप एक अच्छी फूड बनाते हैं तो आप उसके साथ एकदम से जो आंखें बंद करके चले जाइए। तो दोस्तों तीसरी अगर आइडिया की बात करें तो पहले क्या कर रहे हो दोस्तों, अभी तक ये तो लाल बटन ही है, अभी तक ब्लैक नहीं हुआ। सब्सक्राइब बटन की बात करें दोस्तों, अभी तक आपने उसे लाल ही रखने दिया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अब आगे कैसे हमें मतलब डिसलाइक मार सकेंगे, कैसे हमें गाली दे सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बालों में एक जो क्या बोलते हैं बैंड बोलते हैं ना बालों को ठीक कर रखने के लिए, उसको यूज़ किया है। क्योंकि दोस्तों ऐसे तो मैं फैन बंद करके वीडियोस बनाता हूँ, तो जो जितना भी एकदम इतना सारा मतलब जो पसीना निकलता है ना, मैं क्या बताऊँ दोस्तों, तो इसके लिए मुझे उसे पहनना पड़ा। तो उसके लिए फिर से गाली मत दीजिएगा। तो दोस्तों अगर तीसरा पॉइंट की बात करें तो वो है प्रोडक्ट रिव्यू का। प्रोडक्ट रिव्यू चैनल मतलब क्या है, कोई फ़ोन आपको रिव्यू नहीं करना है, कोई गैजेट रिव्यू नहीं करना है, आप जो डेली एसेंशियल थिंग्स आपके पास ऑलरेडी है या आप परचेज करते हो उनका ही आप रिव्यू कर सकते हैं, जैसे कि फेस वॉश, साबुन, या फिर बोल दीजिए आपका जो बॉडी शॉट जेल हो सकता है, या फिर आप बोलते हैं कोई क्रीम, जो भी आप डेली एसेंशियल थिंग्स हो सकते हो, फूड रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ भी रिलेटेड हो सकते हैं, उनको आप रिव्यू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग क्या परचेस करता है, डेली एसेंशियल थिंग्स इजीली। तो आपको अगर डेली एसेंशियल थिंग्स अगर आप परचेस करते हैं तो उनका अगर रिव्यू देते हैं लोग, हमेशा ज़्यादातर लोग जब पहले ऑनलाइन में या कहीं पर खरीदते हैं उसके पहले आप यूट्यूब में वो सर्च करते हैं कि भाई अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें भी पता चलता है कि वो अच्छा है कि नहीं, हम परचेस कर ले। तो आप अगर उसका रिव्यू अच्छे से देख सकते हैं तो वो दे दीजिए, आपके चैनल बहुत ग्रो करेगा। क्योंकि हर किसी को डेली एसेंशियल थिंग्स के रिव्यूज चाहिए और वो बहुत हेल्पफुल भी उनके लिए होता है और आपके चैनल भी ग्रो करेगा। तो दोस्तों अगर अगली बात करिए, अगली जो हमने रखा है 4 नंबर पे, तो वो है कॉमेडी स्केच वीडियोस। मतलब क्या है, मतलब अगर दोस्तों हम ट्रेंडिंग की हम कभी भी बात नहीं करते, मतलब अभी जो ट्रेंडिंग है जैसे कि गेम्स बोलिए, बहुत कुछ ट्रेंडिंग में, उनके बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रेंडिंग ऑलवेज क्या होता है, हमने एक वीडियो में बताया कि वो है होता है टेम्पोरारी, और आपका कंटेंट होता है परमानेंट, जो आपको हमेशा ही लोगों को अगर पसंद आए तो लाखों साल तक, मतलब लाखों साल दुनिया रहेगा तो आपको वो हेल्प देगा, लोगों देखेगा आपका जो चैनल ग्रो करता रहेगा। तो यह एक कॉमेडी जो हमेशा ही ट्रेंडिंग में रहता है, आज नहीं, आज आप जो वीडियो बना लिया अगर वो लोगों को हंसाता है, अगर आप में वो कबीले आते हो कि लोग को हंसा पाए, पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके लिए जो चीज़ है हंसाने की चीज़, वो किसी के लिए उसके मतलब उसे खराब लगने की, उसे मतलब पेन देने के लिए, उसे सैड करने के लिए वो मतलब इनफ है। ऐसे कुछ कंटेंट मत बनाए जो दूसरे को हर्ट करे, ऐसे कुछ कंटेंट मत बनाए कॉमेडी करने के लिए, और ऐसे कुछ कंटेंट बनाए कि सबको अच्छा लगे, सब हंसे, मुंह फाड़ के हंसे, अपने हा हा करके हंसे, ऐसे कंटेंट बनाए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वो हमेशा ही ट्रेंडिंग पे रहता है और ट्रेंडिंग में रहेगा भी। और दोस्तों अगर अगली बात करें जो 4 नंबर पे हम 5 नंबर पे रखे हुए हैं, लिस्ट क्या होता है दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपको वो आप वो टैलेंट है कि आप किसी भी चीज़ को यूज़ करने के बाद आपको लगता है, या फिर किसी भी चीज़ अगर बात करें एक फेस वॉश की, फिर से बात करते हैं फेस वॉश की, 10 कंपनी का फेस वॉश यूज़ कर लिया तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा किस लेवल पे है, तो आप उसका एक लिस्ट बना सकते हैं, या फिर आप लिस्ट बना सकते हैं कि दुनिया का सबसे रिच जो वर्ल्ड लोग है, या फिर दुनिया का सबसे रिच देश कौन सा है, ऐसे लिस्ट बना सकते हैं, 10, 10, 5 ऐसे लिस्ट बना के आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फेस देने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इजीली वॉइस ओवर करके उसको वीडियोज़ बना सकते हैं जो आपका काफी पॉपुलर होता है, और हर एक वो चैनल में आप व्यूज देख सकते हैं, आप वहां पर सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं। दोस्तों ये करते हैं इसलिए माफ करिएगा, क्योंकि भाई बहुत गर्म लग रहा है, क्योंकि हमने फैन नहीं चलाया, आप सभी के लिए ताकि फड़फड़ा आवाज ना हो, तो माफ करिएगा। दोस्तों अगर अगली बात करें तो जो 6 नंबर पे हमने रखा है वो है अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये एक बहुत ही वैल्यूएबल थिंग होता है और काफी आपको पैसा भी खर्च करना पड़ता है अनबॉक्सिंग के लिए, जहां पर आपको बहुत ही जो फोन्स बोलिए या फिर कुछ गैजेट बोलिए उनको खरीदना पड़ता है, उन्हें रिव्यू करने, या फिर अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप किसी को ऐसे जानते हो जो ये सब जो फोन्स
बेचता है, तो उनसे अगर आपकी अच्छा रिलेशन है तो उनको बता सकते कि भाई दे तेरा ये नया फोन दे, मैं इसे अनबॉक्स करके फिर से तुझे दे दूंगा, या फिर कोई दोस्त नया फोन खरीदा तो उसको भी आप अनबॉक्स कर सकते हैं और वो अच्छा होगा आपके लिए और काफी बेनिफिट भी होगा। आप देख सकते हैं टेक्निकल गुरुजी या जितना भी टेक रिलेटेड चैनल है कितना अनबॉक्सिंग करते हैं, उनके वीडियोज में व्यूज देख सकते हैं और ये हमेशा ट्रेंडिंग चीज है, कभी भी इसका ट्रेंड नहीं कम होगा। पर एक बात है कि आज अगर आईफोन का एक फोन आ गया, एप्पल का एक आईफोन आ गया, जो आईफोन 12 बोल सकते जो आ रहा है, तो 10 दिन बाद उसका ट्रेंड भी चला जाएगा जब आईफोन 13 आएगा या आईफोन 14 आएगा, तो ये भी एक बात है। पर वो उसमें आपको ट्रेंड मिलेगा जहाँ जब मतलब आज ही आपको जो ट्रेंड मिल जाएगा, जितना व्यूज मिल जाएगा, आप जरूरत नहीं है कि वो बहुत दूर तक वो ट्रेंड में जाए, तो आप इसमें भी बना सकते हैं। और अगर बात करें 8 नंबर की दोस्तों, तो 8 नंबर पे है ब्लॉगिंग चैनल, ये है हमने पहले बताया डेली लाइफ ब्लॉगिंग, और ये है ब्लॉगिंग्स, ये क्या कैसी ब्लॉगिंग्स है, ये है मार्केट ब्लॉगिंग्स, या आप बोलिए कहीं एडवेंचरल ब्लॉगिंग। आपके यहाँ पर एडवेंचर करते हैं, आपके यहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जब आप देख सकते हैं मुंबई का निखिल को, वहाँ पर उसका चैनल में जाके आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि कैसे आपको वीडियो बनाना है। उसमें आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है, अगर आप कहीं दूर अच्छी जगह पे जाते हैं ट्रैवल करने में तो वहाँ पर बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर लोगों उसे देखता है। और अगर आप सोचते हैं कि मुझे ट्रैवल ब्लॉग करने के लिए मुझे सिटी में रहना जरूरी है, तो वो नहीं, आप गाँव में रह के भी सकते हैं। गांव की जो सिचुएशन है, गांव के आसपास की जो गांव है, वहां पर आप जाके ब्लॉग कर सकते हो कि आप दिखा सकते हो कि कैसा सिचुएशन है, कैसा परिवेश है, और दिखा सकते हो, लोगों को काफी पसंद आता है। तो अगर बात करें 9 नंबर की, तो वो है चैलेंजेस। दोस्तों आप देख सकते हैं यूट्यूब पर हजारों ऐसे चैनल देखने को मिल जाएगा जहां पर चैलेंजेस होता है चैनल में, जैसे कि फूड चैलेंज बोल दीजिए या फिर कुछ भी, आप एक कमेंट करता है तो उसके बारे में चैलेंज वो एक्सेप्ट करके एक वीडियोस बना देते, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आप घर में आपका कोई अच्छी फूड बनाते हैं तो उसका रिगार्डिंग उसको आप आपकी माँ या बहन को बोल सकते हैं फूड बनाने के लिए, और आपके भाई बहन मिलकर आप अपने अंदर चैलेंज कर सकते हैं कौन पहले खाता है या कुछ भी, और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी है एक ट्रेंडिंग चीज़ है। अगर बात करें लास्ट की 10 नंबर की, तो वो है प्रैंक्स। दोस्तों प्रैंक्स बहुत एक पॉपुलर थिंग है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है, पर प्रैंक्स एक बहुत ही मतलब क्या बोले बहुत ही रिस्की थिंग है, क्योंकि लोगों आप जब किसी के साथ प्रैंक करने को जाओगे तब हो सकता है कि उसको ऐसे बुरा लग जाए कि आपके एक थप्पड़ मार दे लोगों के सामने, आपका इमेज भी डाउन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। प्रैंक बहुत रिस्की थिंग है, इसीलिए मैंने इसे 10 नंबर पे रखा है ताकि आप इसे रिस्क ले सके तभी इसे चूज कर पाए। तो दोस्तों यही था हमारा टॉप 10 लिस्ट। इसे अगर इसमें ही आप किसी एक को चूज करके आप करेंगे अपना चैनल, तो जरूर आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, ये हम बता दे सकते हैं 100% गन के साथ। पर आपको कंटेंट अच्छा क्रिएट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना पड़ेगा कि एक दिन ना एक दिन मेरा चैनल ग्रो जरूर करेगा। आप अगर पहले ही आपका मोटिवेशन ब्रेक कर देंगे, डिमोटिवेटेड हो जाएंगे कि मेरा व्यूज नहीं आ रहा है, मेरा तो सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा करेंगे तो आपको यूट्यूब में आने की जरूरत नहीं है। अगर कर सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं, लोगों की गाली सुन तक सकते हैं, लोगों की हेट कमेंट पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर यूट्यूब पे आइए, आपको वेलकम है, वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये एक सरकारी जॉब से भी ज़्यादा आपको इनकम प्रॉफिट देगा। और यही बात है, और दोस्तों पहले और एक बार बता रहे हैं, ठोको कमेंट ठोको, सब्सक्राइब बटन को ठोको, बेल आइकन को भी ठोक दो ताकि आगे भी आप हमें गाली दे सको। आपका गाली और आपका कमेंट, जो भी आप कमेंट करते हैं उसमें हमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और आगे हम वीडियो बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना मुस्कान है हमारे चेहरे पे, देख सकते हैं यहाँ पर मुस्कान फूट फूट कर निकल रहा है, तो इतना सारा मुस्कान है, इतना सारा पसीना भी निकल रहा है आपसे बात करने में, मतलब आपको अच्छे कॉन्टेंट देने के लिए हम यहाँ पर फैन भी बंद कर दिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया, आप जो भी कमेंट करते हो अच्छा लगता है, आप जो भी डिसलाइक भी करते हो तो भी अच्छा लगता है, आप करते रहिए, आगे भी करते रहिए, एक दिन जरूर पता होगा कि हम अच्छा कंटेंट जरूर इंशाल्लाह लाएंगे, उस दिन आपको जरूर पसंद आएगा, उस दिन आप भी आपका फ्रेंड को सजेस्ट करेंगे कि चल ये मेरा भाई है, ये हमजा भाई है, इसका चैनल को सब्सक्राइब कर ले जा, इसको ये बहुत अच्छा कॉन्टेंट बनाता है, बहुत अच्छा बच्चा है। और तब तक के लिए जितना हो सके गाली दे दीजिए, जो कर सके करिए, डिसलाइक कर दीजिए, पर चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अच्छा रहिए, ये जो सिचुएशन है यहाँ पर अच्छा रहिए, कोरोना वायरस से प्रोटेक्टेड रहिए, दूसरों को प्रोटेक्ट करिए, और घर में रहिए, सुस्त रहिए, सतर्क रहिए, और मतलब अच्छी ज़िंदगी जिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, जो भी सिचुएशन हो हैप्पी रहिए, मुस्कुराता रहिए, ताकि आपका मुस्कुराना देखकर 10 और भी फिदा हो जाए, ऐसा कुछ मुस्कुराना दे दीजिए। हमारे मुस्कुराने से तो लग रहा है कि मेरा 10 सब्सक्राइबर कम हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, रुको, इसके बारे में हम और एक लंबा सीरीज लाने वाला है, कि अगर आपको चाहिए कि भाई और कुछ आइडियाज़ दे दो चैनल के बारे में, तो हम और भी बहुत सारे यहाँ पर लाएंगे, तो आप नीचे कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा, गाली के साथ में जोड़ दीजिएगा और बता दीजिएगा, हम लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ योर फैमिली एंड द नीड ऑल्सो, बाय बाय, जय हिंद।